हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है किसान की बेटी। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली। जिसकी जमीन है उसकी यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे। आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच बस मूसल अपने पास रख ली। किसान बेचारा सोने की मूसल कहां से ला कर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, काश बेटी की बात मानी होती, काश मैं अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा के दरबार में बुलाया गया। उससे बातें करने के बाद राजा को विश्वास हो गया कि वो बहुत बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी को सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा सुख से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।